प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल को आज और सोनिया को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड केस की जांच में दोनों नेताओं को शामिल होने को कहा है। आपको बता दें कि इस केस में ईडी ने कांग्रेस के दो बड़े नेता पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे को बीते 12 अप्रैल को जांच में शामिल किया था। 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसमें स्वामी ने गांधी परिवार पर 55 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया था। तो नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें बड़ी हैं। आज समन जब कल जारी किया गया उसके बाद में आज पेश होने के लिए कहा गया है और राहुल गांधी को सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड केस की जांच में दोनों नेताओं को सहयोग करने की बात कही है, शामिल होने की बात कही है। और आपको साथ ही जानकारी ये भी दे दें कि इस केस में ईडी ने कांग्रेस के दो बड़े नेता पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे को बीते 12 अप्रैल को जांच में शामिल किया था। नेशनल हेराल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। साफ है कि तानाशाह डर गया है, साफ है कि शासन के सब मोर्चों पर अपनी नाकामियों को छुपाने में विफल तानाशाह छटपटा रहा है। देश को गुमराह करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ एक घिनौना और कायरतापूर्ण षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो आदमी कटघरे में खड़ा है, जो बेल पर है, तो बेल उठवा लो ना, चार्जेस हटवा लो ना, क्यों नहीं करते? तो इसलिए नहीं करते हम, क्योंकि कागज सच्चे हैं और कागज परमानेंट होते हैं, तो वो उनको उस जगह पर खड़ा रख रहे हैं। ये तो वैसे ही है ना कि चेहरा गड़बड़ था और आईना साफ कर रहे हैं। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। अदिति, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है, कहीं ना कहीं मुश्किलें अदिति बढ़ती हुई नजर आ रही है, किस तरह से आपको लगता है कि जो जांच है वो आगे बढ़ेगी इस मामले पर? अब बिल्कुल, सबसे पहले तो 8 जून को क्या होता है देखना होगा। 8 जून कांग्रेस कितनी इकट्ठी होती है, कितनी एकत्रित होती है, कितनी मजबूत नजर आती है, ये देखना होगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ईडी का नोटिस मिला है, 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जी, रणदीप सुरजेवाला पहले ही साफ कर चुके हैं कि राहुल गांधी देश से बाहर हैं और सोनिया गांधी देश में हैं, इसलिए वो जाएंगी। और नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी से ईडी ने नोटिस भेजा है और उसके बाद अब ये पूछताछ शुरू होगी। क्या कुछ होता है, सबकी निगाहें उसी पर टिकी होंगी। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता भी की थी और लगातार ये दावा किया कि नरेंद्र मोदी और ये षड्यंत्र के तहत ये सब तमाम चीजें की जा रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सोनिया गांधी को 8 जून को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, रणदीप सुरजेवाला ने भी यही बात कही। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ आता है। जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी, राहुल गांधी ईडी के सामने पेश नहीं होना चाहते, तो उनके सामने ऑप्शन देखना होगा कि किसी, राहुल गांधी है नहीं कि सोनिया गांधी को जाना होगा जी। पहले वे नोटिस को जवाब दिए बिना छोड़ सकते हैं, इस स्थिति में ईडी उनको दोबारा नोटिस भेजेगा अगर वो नहीं पेश होना चाहते तब की बात है। वहीं दूसरा ऑप्शन ये है कि वह नोटिस को कोर्ट के सामने चैलेंज करें जी। तो ये तमाम चीजें हैं। सुरजेवाला ने ईडी को भी घेरा, सुरजेवाला ने नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाए, तानाशाह कहा और कांग्रेस ने 3 तथ्य दिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साल 1937 में स्थापित नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एसोसिएशन जनरल लिमिटेड को लगभग 10 साल के वक्त में लगभग 100 किश्तों में चेक द्वारा अपनी देनदारी के भुगतान के लिए 90 करोड़ की राशि दी। एक तो ये तथ्य दिया है, दूसरा इसमें से 67 करोड़ का जो इस्तेमाल है नेशनल हेराल्ड के अपने कर्मचारियों की बकाया सैलरी देने में किया गया जी। बाकी पैसा बिजली भुगतान, किराया, भवन इत्यादि में खर्च किया गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि नेशनल हेराल्ड अखबार आय के अभाव के कर्ज चुकाने में समक्ष नहीं था, इसलिए इसकी एवज में
जो एसोसिएशन एंड जनरल लिमिटेड के शेयर यंग इंडिया को दे दिए गए जी। तो ये तमाम तरीके की बात भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई है, लेकिन अब देखना होगा कि सोनिया गांधी जाती हैं या अभी फिलहाल पहली बार सिर्फ जवाब भेज देती हैं और उसके बाद दूसरा नोटिस आता है तब जाना होगा। लेकिन फिलहाल ये तनावपूर्ण स्थिति है और आज उनको क्या कुछ होता है ये देखना होगा। बिल्कुल जी जी, आदित्य आप बने रहिए हमारे साथ।